टी20 विश्व कप 2024 में पाकिस्तान की टीम खराब प्रदर्शन को लेकर अब तक आलोचनाओं का दौर जारी है। टीम अमेरिका से उलटफेर का शिकार होने के बाद यह ग्रुप स्टेज से भी बाहर हो गई थी। यह टीम पिछले दो ICC टूर्नामेंट से अच्छा प्रदर्शन करने में नाकाम रही है। टी20 विश्व कप से पहले वनडे विश्व कप में भी टीम पहले राउंड से बाहर हो गई थी। वहीं टी20 विश्व कप में नियमित तौर पर अच्छा प्रदर्शन करने वाली पाकिस्तान टीम सुपर 8 में भी नहीं पहुंच पाए। इसके बाद पूर्व क्रिकेटर ने काफी हंगामा किया और पाकिस्तान टीम की काफी आलोचना की थी। अब टीम के विकेटकीपर बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान ने भी अब इस अभियान पर बयान दिया है। मोहम्मद रिजवान ने हो रहे सभी क्रूर आलोचनाओं का सामना किया है। उन्होंने तो यहां तक मांग की है कि बोर्ड को टी20 विश्व कप में भयानक प्रदर्शन के लिए पूरी टीम को बर्खास्त कर देना चाहिए। हालांकि विकेटकीपर बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान ने पाकिस्तान के खिलाड़ियों की आलोचना को स्वीकार किया है। उन्होंने कहा कि यही समय जब पाकिस्तान की टीम को सीखना चाहिए। उन्होंने कहा, टीम जिस आलोचना का सामना कर रही है वह जायज और हम इसके हकदार हैं क्योंकि हमने उम्मीदों के मुताबिक प्रदर्शन नहीं किया। रिजवान ने आगे कहा कि जो खिलाड़ी आलोचना का सामना नहीं कर सकते वे सफल नहीं हो पाएंगे। हम टी20 विश्व कप में अपने प्रदर्शन से निराश हैं। हमारे नुकसान के पीछे कई कारण हैं। जब कोई टीम हारती है तो कोई यह नहीं कह सकता कि गेंदबाजी और बल्लेबाजी अच्छा कर रही है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड PCB के प्रमुख मोहसिन नकवी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ऑपरेशन शब्द का इस्तेमाल किया था और संकेत दिए थे कि बोर्ड खिलाड़ियों के खिलाफ कड़ा कदम उठा सकता है। उन्होंने कहा, ऑपरेशन एक सामान्य चीज है। जब कोई व्यक्ति बीमार होता है तो ऑपरेशन आवश्यक है। PCB अध्यक्ष कड़ी मेहनत करने वाले व्यक्ति हैं। टीम में कौन रहेगा और कौन नहीं इसका फैसला चेयरमैन का अधिकार है। बता दें कि रिजवान का टी20 विश्व कप में भी निराशाजनक अभियान रहा था जिसमें उन्होंने 36.66 की औसत से और 90.90 के स्ट्राइक रेट से 110 रन बनाए।